Hello guys, this is Raj and you're watching English Corner with Raj. I have come with another video. So guys, इसे पढ़ने से पहले मैं चाहता हूँ कि अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा. चलिए स्टार्ट करते हैं. यूथ टू प्ले क्रूशल रोल इन नेक्स्ट 25 ईयर्स सेज मुर्मू. ठीक है, तो जो हमारी प्रेजिडेंट हैं मुर्मू, उन्होंने कहा है कि जो नौजवान है वो बहुत ही निर्णायक, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा आने वाले 25 सालों में. ठीक है, क्रूशल मीन्स होता है वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, कोई डिसीजन या इवेंट के लिए हम यूज़ करते हैं कि इसका मतलब होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट. रोल मीन्स होता है भूमिका. ठीक है, तो जो हमारी जो नौजवान पीढ़ी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी आने वाले 25 सालों में, ऐसा जो प्रेजिडेंट इंडिया के उन्होंने कहा है. आइए न्यूज़ को पढ़ते हैं, से समझते हैं. देहरादून मसूरी. प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, जो प्रेसिडेंट है हमारे, ठीक है, प्रेसिडेंट आप जानते होंगे, राष्ट्रपति. ठीक है, वाइल एड्रेसिंग स्टूडेंट, वाइल मीन्स होता है के दौरान, एड्रेस मीन्स होता है संबोधित करना. ठीक है, तो संबोधित करते दौरान या संबोधित करते वक्त, ठीक है, बच्चों को संबोधित करते हुए इन देहरादून में ऑन फ्राइडे को, शुक्रवार को, तो जो द्रौपदी मुर्मू है बच्चों को संबोधित करते हुए देहरादून में शुक्रवार को सैड कहा डैट की यूथ विल प्ले अ क्रूशल रोल. तो यूथ है वो क्या करेंगे, एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेंगे, प्ले अ क्रूशल रोल. ठीक है, क्रूशल मीन्स होता है वेरी इंपॉर्टेंट, तो एक बड़ी बड़ी भूमिका निभाएंगे इन द कंट्रीज डेवलपमेंट, देश के विकास में. ठीक है, डेवलपमेंट मीन्स होता है विकास, यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी ऐसा लगा है, तो देश के विकास में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाएंगे इन द नेक्स्ट 25 ईयर्स, अगले 25 सालों में. ठीक है, एज जैसे कि वी कंप्लीट 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, जैसे कि हम करने वाले हैं या हम करने जा रहे हैं 100 साल, हमारे जो देश को आज़ाद हुए को 100 साल हो गए, उसे हम कंप्लीट करने वाले हैं. तो आने वाले 25 सालों में जो हमारे यूथ है, जनरेशन है, न्यू जनरेशन है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करेगी देश की डेवलपमेंट में. ठीक है, द प्रेजिडेंट गेव अवे, तो गिव अवे का मतलब होता है बांटना, डिस्ट्रीब्यूट करना. ठीक है, तो द प्रेजिडेंट गेव अवे, तो जो हमारे राष्ट्रपति उन्होंने बांटे गोल्ड मेडल्स. ठीक है, गोल्ड मेडल टू 36 स्टूडेंट, कितने बच्चों को, 36 बच्चों को उन्होंने गोल्ड मेडल बांटे. एट द थर्ड कन्वोकेशन, तीसरे कन्वोकेशन में होता है दीक्षा समारोह. जब आपने देखा होगा डिग्री कॉलेज में जब डिग्री बांटी जाती हैं तो उस सेरेमनी को हम कन्वोकेशन बोलते हैं. ठीक है, जब उन्होंने जब एक लंबा सा कोट पहन के, टोपी पहन के जब बच्चे जाते हैं डिग्री लेने के लिए, तो तीसरे कन्वोकेशन में, दीक्षा समारोह में, दून यूनिवर्सिटी के. ठीक है, फॉर विच, जिसके लिए द थीम थीम दिस ईयर, इस साल का जो थीम था वाज था राइजिंग नारी शक्ति, बढ़ती नारी शक्ति. राइज मीन्स होता है ऊपर उठना, ठीक है, बढ़ना. ठीक है, तो बढ़ती हुई नारी शक्ति जो थीम था इस साल. इन हर एड्रेस, अपने संबोधन में, ठीक है, शी ऑल्सो सैड, उन्होंने ये भी कहा डैट की एजुकेशन ब्रिंग अबाउट अ ह्यूज डिफरेंस इन द स्टेट, तो राज्य में जो एजुकेशन है, शिक्षा बहुत ही बड़ा बदलाव ला सकती है. ब्रिंग अबाउट अ ह्यूज डिफरेंसेस मीन्स होता है बदलाव लाना. ठीक है, चेंजेस लाना. ठीक है, इट ऑल्सो मेड मी हैप्पी टू सी, यह देखकर भी मुझे बहुत खुशी हुई डैट ऑफ द 36 गोल्ड मेडलिस्ट, 36 मेडलिस्ट में 24 वर विमेन, 36 गोल्ड मेडलिस्ट में 24 जो हैं औरतें हैं. विमेन आर ब्रेकिंग बैरियर इन ऑल फील्ड्स, जो विमेन है, जो औरत है, हर बैरियर को तोड़ रही है. ब्रेक मीन्स होता है तोड़ना, ठीक, बैरियर मीन्स होता है बाधाओं को. ठीक है, हर फील्ड में, हर क्षेत्र में तोड़ रही है. आउट ऑफ 16 PhD स्कॉलर्स, 16 PhD स्कॉलर्स में से, ठीक है, 8 वर फीमेल, जो 8 लड़कियाँ थीं, औरतें थीं. ठीक है, वेमेन आर नाउ गेटिंग मोर अपॉर्चुनिटीज़, जो औरतें हैं अब उनको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मीन्स होता अवसर मिल रहे हैं. ठीक है, एंड आई होप, और मैं उम्मीद करती हूँ दिस कंटिन्यू, और ये चलता रहेगा. ठीक है, कंटिन्यू मीन्स होता लगातार बने रहना. वी नीड टू इंक्रीज़ आर टेक्निकल एजुकेशन, हमें
अपनी जो टेक्निकल एजुकेशन उसे भी बढ़ाने की ज़रूरत है इवन मोर और भी। एंड आई बिलीव, मैं विश्वास करती हूँ या मुझे विश्वास है डैट द वीमेन इन साइंस, जो औरतें हैं साइंस में, विज्ञान में, विल हेल्प, मदद करेंगी इन वीमेन एम्पावरमेंट एज वेल। तो जो जो वीमेन, जो नारी शक्ति है उसको भी बढ़ाएंगी, ठीक है। एम्पावरमेंट, एम्पावर मीन्स होता है किसी को, किसी की शक्ति बढ़ाना, ठीक है, स्ट्रेंथ बढ़ाना। तो एम्पावरमेंट मीन्स होता है शक्ति बढ़ाना, ठीक है। शी अर्ज्ड, अर्ज मीन्स होता है किसी से रिक्वेस्ट करना, विनती करना कुछ करने के लिए। शी अर्ज्ड द स्टूडेंट्स, उन्होंने जो विद्यार्थी छात्र हैं उनसे रिक्वेस्ट की टू यूज़ देयर डिग्री टूवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड द कंट्री। तो अपनी डिग्री को यूज़ करने के लिए, टूवर्ड्स मीन्स होता है की ओर, किसकी ओर, द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी, समाज की भलाई के लिए और देश की भलाई के लिए, कंट्री और सोसाइटी की भलाई के लिए अपनी डिग्री को यूज़ करें। शी ऑल्सो अप्रिशिएटेड, उन्होंने अप्रिशिएट भी किया, ठीक है, सराहा भी द स्टेट्स एफर्ट, जो स्टेट के एफर्ट हैं, जो राज्य के एफर्ट हैं उनको सराहा भी इन प्रमोटिंग बोथ, प्रमोट करना, प्रमोट मीन्स होता है बढ़ावा देना, बोथ रीजनल लैंग्वेज, जो किसी स्टेट की लैंग्वेज रीजनल लैंग्वेज कहलाती है उसको, रीजनल लैंग्वेज को, एंड द नॉलेज अलॉन्ग विद फॉरेन, विदेशी नॉलेज और शिक्षा, विदेशी नॉलेज के साथ में, ठीक है, उनको सराहा भी। एंड इंटरनेशनल एट द सेम टाइम, और इंटरनेशनल लैंग्वेज उनको भी सेम वक्त पर, ठीक है। तो वो इस बार के लिए अप्रिशिएट कर रहे हैं कि ये जो रीजनल लैंग्वेज है और इंटरनेशनल लैंग्वेज उनको बढ़ावा दे रहे हैं, उस चीज़ के लिए अप्रिशिएट कर रहे हैं। एंड ऑल्सो प्रजेंट एट द कन्वोकेशन वर उत्तराखंड गवर्नर, ठीक है, तो उत्तराखंड के जो राज्यपाल थे वो भी वहाँ पर प्रेजेंट थे, उपस्थित थे, किसमें, एट द कन्वोकेशन, दीक्षा समारोह में, ठीक है। ऑल्सो द चांसलर ऑफ दून यूनिवर्सिटी, तो जो दून यूनिवर्सिटी के चांसलर थे, चांसलर मीन्स होता है मुखिया, हैड, किसी यूनिवर्सिटी का मुखिया। चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी, चीफ मिनिस्टर जो थे, सीएम थे पुष्कर सिंह धामी, एंड द एजुकेशन मिनिस्टर, और शिक्षा मंत्री भी वहाँ पे उपस्थित थे जब ये चल रहा था, ठीक है, कार्यक्रम। इसी बीच आफ्टर परफॉर्मिंग रुद्राभिषेक, रुद्राभिषेक करने के बाद, ठीक है, तो परफॉर्मेंस होता है कोई चीज़, जो काम आपको दिया उसे करना, ठीक है। रुद्राभिषेक करने के बाद एट राज्य प्रयागेश्वर टेम्पल, जो राग प्रयाग प्रयागेश्वर टेम्पल है, मंदिर है, वहाँ पर रुद्राभिषेक करने के बाद इन गवर्नर हाउस, गवर्नर के घर पर, जो राज्यपाल है उनके घर पे, प्रेसिडेंट मुर्मू इनॉग्रेटेड, इनॉग्रेट मीन्स होता है शिलान्यास करना या फिर उद्घाटन करना, तो उन्होंने उद्घाटन किया द नक्षत्र वाटिका, नक्षत्र वाटिका का, ऑन फ्राइडे मॉर्निंग, शुक्रवार की सुबह है। ऑन द ओकेजन्स, इस अवसर पे, या अवसर पे शी प्लांटेड अ सैपलिंग ऑफ अ पैलेश, तो ये पैलेश कोई ट्री है, उसका सैपलिंग उन्होंने प्लांट किया। सैपलिंग भी होता है बड़े पेड़ का एक पौधा, ठीक है, यंग प्लांट, तो उसको लगाया उन्होंने इस मौके पे, उन्होंने एक पैलेस का पौधा भी लगाया उन्होंने, ठीक है। तो सैपलिंग मीन्स होता है यंग ट्री। अ यूनिक ब्लेंड ऑफ इंडियन स्पिरिचुअलिटी, एक यूनिक मीन्स होता है अनोखा, ब्लेंड मीन्स होता है मिक्सचर, ठीक है, जो भारतीय आध्यात्मिकता है उसका एक अनोखा मिक्सचर है ये, ठीक है। अनशाइन नॉलेज एंड कंजर्वेशन, एक पुरानी जो हमारी नॉलेज है, और कंजर्वेशन में होता किसी को संचय करके रखना, बचा के रखना, ठीक है। तो ये एक यूनिक मिक्सचर है इसका, ठीक है। द नक्षत्र वाटिका हैज़ 27 प्लांट्स, जो नक्षत्र वाटिका है वहाँ पे 27 प्लांट्स हैं, पौधे हैं, ठीक है। डैट को इंसाइड विद, जो मेल खाते हैं, को इंसाइड मीन्स होता है मेल खाना, देयर रिस्पेक्टिव कॉन्स्टलेशंस, जो हमारे नक्षत्र हैं उनसे वो मेल खाते हैं, जो हमारे जितने भी अलग अलग नक्षत्र हैं उनसे मेल खाते हैं, तारामंडल से मेल खाते हैं। द नेम्स ऑफ ट्री, जो पेड़ों के नाम हैं रिलेटेड टू दीज नक्षत्र, जो इस नक्षत्र से संबंधित हैं, और प्लांट से, प्लैनेट से, जो ग्रहों से संबंधित हैं, ठीक है, नक्षत्र से संबंधित हैं, ठीक है। प्लैनेट्स एंड जोडियक साइन, ये प्लैनेट्स जो ग्रह है और जोडियक साइन जो राशि चिन्ह है, आर फाउंड, पाए जाते हैं इन आयुर्वेदिक में मिथोलॉजी, पौराणिक और एस्ट्रोलॉजिकल टेक्स्ट, जो हमारे जो एस्ट्रोलॉजिकल ज्योतिष शास्त्र हैं, ग्रंथ है, ज्योतिष ग्रंथ हैं, उनमें पाए जाते हैं ये, ठीक है।
देयर आफ्टर मीन्स होता है उसके बाद। द प्रेजिडेंट जो हमारे राष्ट्रपति हैं लेफ्ट रवाना हुए टू अटेंड द फंक्शन, फंक्शन अटेंड करने के लिए एट लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारी जो लवासना वहाँ पर वहाँ के लिए रवाना हुए फंक्शन अटेंड करने के लिए इन मसूरी। मसूरी में मुर्मू एड्रेस द ऑफिसर्स ट्रेनिंग, ठीक है, जो मुर्मू ने एड्रेस किया, एड्रेस में संबोधित किया, जो ऑफिसर ट्रेनिंग थे उनको संबोधित किया ऑन द ओकेजन ऑफ, किसके अवसर पे, ऑन द ओकेजन ऑफ मिस होता के अवसर पे, ऑन द ओकेजन ऑफ द वैलेडिक्ट्री फंक्शन। वैलेडिक्ट्री फंक्शन मिस होता विदाई समारोह, वैलेडिक्ट्री मिस होता फेयरवेल, ठीक है, तो विदाई समारोह को संबोधित किया उन्होंने, ठीक है, ऑफ 97th फाउंडेशन कोर्स एट द एकेडमी ऑन फ्राइडे, शुक्रवार को जो 97वां जो उनका फाउंडेशन कोर्स था उनको संबोधित किया, ऑफिसर ट्रेनिंग को संबोधित किया। द प्रेजिडेंट सेड, जो हमारे राष्ट्रपति उन्होंने कहा, द मेन मंत्र ऑफ दिस फाउंडेशन कोर्स, इस फाउंडेशन कोर्स का मेन मंत्र क्या है, इज वी, हम, नॉट आई, ना मैं, ना कि मैं, ठीक है। शी एक्सप्रेस्ड कॉन्फिडेंस, उन्होंने व्यक्त किया विश्वास, ठीक है, कॉन्फिडेंस व्यक्त किया डैट कि द ऑफिसर्स ट्रेनिंग ऑफ द कोर्स, जो इस कोर्स के जो ऑफिसर ट्रेनी है, शुड वुड शोल्डर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन जिम्मेदारियों को निभाएंगे, शोल्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी में से होता है जिम्मेदारियों को निभाना, ऑफ टेकिंग द कंट्री फॉरवर्ड, देश को आगे ले जाने की, विद द कलेक्टिव स्पिरिट्स, कलेक्टिव में से होता सब लोग जब मिलके कोई काम करते हैं उसे कलेक्टिव बोलते हैं, ठीक है, जो हमारी कलेक्टिव स्पिरिट है उसके साथ में इस देश को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदारी निभाएंगे, ठीक है, जिसे हम हिंदी में यहाँ पे बोल सकते हैं सामूहिक भावना, ठीक है, सामूहिक भावना के साथ में इस देश को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी लेंगे। द प्रेजिडेंट एडेड, और प्रेजिडेंट ने ऐड किया डैट कि द ओटीज, जो ऑफिसर ट्रेनिज हैं, इन द नेक्स्ट 25 ईयर्स, अगले 25 सालों में, वुड प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, एक महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे इन पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी मेकिंग में और इम्प्लीमेंटेशन और उसको लागू करने में, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन में से होता लागू करना किसी को। शी अर्ज्ड, उन्होंने विनती की द पार्टिसिपेंट्स, जो पार्टिसिपेंट्स थे उनसे विनती की, टू वर्क फॉर द नेशन बिल्डिंग, तो देश को बनाने, देश को खड़ा करने के लिए, देश निर्माण के लिए काम करें, ठीक है, वाइल कीपिंग एट फोर फ्रंट, वाइल किसके दौरान, कीपिंग एट फोर फ्रंट, सबसे आगे रखें द इंटरेस्ट ऑफ द मोस्ट मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, जो समाज के सबसे अधिकार विहीन लोग हैं उनके हितों को सबसे आगे रखते हुए देश को, देश का जो जो नेशन है उसको बिल्ड करना है, ठीक है, नेशन बिल्डिंग करनी है। मार्जिनलाइज मीन्स होता है अधिकार विहीन, जिनको अधिकार नहीं मिले हुए होते हैं, ठीक है, एक ऐसा भी भाग है जो सोसाइटी में जिनको अधिकार नहीं मिले उनको सबसे आगे रखते हुए इस देश की नेशन बिल्डिंग करनी है, ठीक है। मुर्मू ऑल्सो इनॉग्रेटेड, जो मुर्मू हैं उन्होंने उद्घाटन किया वॉक वे ऑफ सर्विस, वॉक वे ऑफ सर्विस का भी, एट लबासना, लबासना में, वेयर ईच ईयर, जहां हर साल द नेशन बिल्डिंग गोल्स सेट, जो नेशन बिल्डिंग गोल है वहां पे सेट किए जाते हैं बाय द ओटीज, ओटी द्वारा, वुड बी कैप्ड इन अ टाइम कैप्सूल, और टाइम कैप्सूल में रख दिए जाते हैं, ठीक है। आई अर्ज यू टू रिमेंबर द गोल्स, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ अपने जो गोल हैं, जो लक्ष्य हैं उनको रिमेंबर करो, डैट की यू हैव लॉक्ड इन द टाइम कैप्सूल, जो टाइम कैप्सूल है उसमें आपने लॉक कर दिए हैं, एंड वर्क ऑन, और वर्क ऑन दैम, और उन पर काम करो, सो डैट ताकि वैन यू ओपन द टाइम कैप्सूल इन 2047, जब आप 2047 में जब आप उसको खोलें टाइम कैप्सूल को, यू फील प्राउड, आपको गर्व हो डैट कि द टारगेट हैव बीन अचीव्ड, टारगेट प्राप्त कर लिया गया है, ठीक है। तो गाइस इसमें कुछ जो टफ वर्ड्स होंगे वो मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, प्लीज़ जाके वहाँ पे देख लीजिएगा। ओके गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।